हेलो देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था TH10 के लिए एक फैल्कन स्ट्रेटजी जिसमें हमने यूज़ किए थे वॉलकायरी। पहले का अटैक स्टोन स्लैमर के साथ जो था वो नहीं हो पा रहा था 3 स्टार कई जगह, सो मैंने उसमें डाल दिया हमारे पैकास जो टैंक बने, फिर उसमें वॉल रैकर यूज़ किया, सो इजीली हम फिर 3 स्टार कर पा रहे थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक किया होगा। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज आने वाले हैं, सो मेरे चैनल को मिस मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और ब्लिजर्ड स्ट्रेटजी जो फुल्ली ग्राउंड स्ट्रेटजी है, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं मास हॉग राइडर्स और उनके साथ विजर्ड्स। सो ये है हमारा होवीज अटैक विद ब्लिजर्ड। चलिए देखते हैं आज की स्ट्रेटजी। मास हॉग राइडर्स लेने, तो मैंने लिए 38 हॉग राइडर्स, एक बेबी ड्रैगन, 10 विजर्ड्स। तो ये है हमारी आर्मी। और स्पेल्स में मैंने लिए एक 3 हील, एक रेज और एक क्लोन। क्लोन स्पेल यहाँ पे मेरा लेवल 1 का है। अगर आपका लेवल 3 मैक्स होगा इस लेवल पे, सो आप अपना मैक्स कर लीजिए। अगर आपका अटैक नहीं हो रहा है 3 स्टार, तो मैं मैनेज करूँगा कि मैं अपना अटैक 3 स्टार कर पाऊँ। सो क्लैन कासल में मैंने लिया है बैटल ब्लिंप, 3 सुपर विजर्ड, 1 जायंट और इनविजिबल स्पेल। तो चलिए बढ़ते आज के अटैक की तरफ। लेट्स सी द अटैक गाइस। पहले तो आप देख लीजिए, ब्लिजर्ड डालना है आपको, ब्लिंप डालना है, तो एयर स्वीपर की पोजीशन देख लीजिए, उस हिसाब से आपको ब्लिंप डालना है। ब्लिंप ऐसे डालिए कि वो एयर स्वीपर की नजर में ना आए और सीधा अंदर जाए। तो अब पहले फनल क्रिएट कर देंगे बारबेरियन किंग और आर्चर किंग से, फिर हम एक साइड पर डालते हैं बेबी ड्रैगन, ये 3 फनल करेंगे, तब हम डाल देंगे हमारा बैटल ब्लिम। देखिए दोनों एयर स्वीपर उस तरफ है, तो मैंने बैटल ब्लिम ऐसे डाला है जिससे एयर स्वीपर उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, और फिर डाल देना है रेज इनविजिबल। जैसे ही ब्लिंक खुले आपको सीधे से डाल देना है इनविजिबल स्पेल और फ्लिंग क्लोन। अगर आपने जरा सी भी देरी कर दी तो सुपर विजर्ड मर जाएंगे। ये देखिए हमारे सुपर विजर्ड ने क्या ऑसम वैल्यू दिया हमें, 2 इन्फर्नो डाउन कर दिए, TH डाउन कर दिया, इलेक्ट्रो को डाउन कर दिया, और क्या चाहिए आपको। फिर हम दूसरी कॉर्नर से हमारे हॉक्स डाल देंगे, सारे हॉक राइडर्स, उनके पीछे विजर्ड सपोर्ट के लिए विजर्ड बेस क्लियर कर देंगे और हॉग राइडर डिफेंसिस को डाउन कर देंगे। हॉग राइडर्स के हिट पॉइंट्स डाउन होने लगे तो आप हील डाल दीजिए। यहाँ पे इन्फर्नो मल्टी है तो थोड़ी देर बाद मैं वापस डाल दूंगा हील। लास्ट हील बचा है और थोड़े डिफेंसिस बचे हुए हमारे। तो गाइस इजीली अटैक हो जाएगा 3 स्टार। सुपर विजर्ड से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है यहाँ पे। सो आप अपना इनविजिबल सही तरह से डालिए और क्लोन, जिससे कि सुपर विजर्ड्स दिखे नहीं और वो ऑसम वैल्यू दे जाए आपको, तो आपका इजीली अटैक 3 स्टार हो जाएगा गाइस। देख सकते हैं आप मैक्सिमम हॉक्स बचे, विजर्ड बचे हुए सारे के सारे, बारबेरियन किंग भी है, आर्चर क्वीन भी है, सो इजीली हमने अटैक कर दिया है 3 स्टार। ओपोनेंट की आर्चर क्वीन भी डाउन नहीं करना पड़ी, फिर भी अटैक हो गया है 3 स्टार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। ये एक TH11 बेस पे मैं अटैक करके दिखाऊंगा कि हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे, पहले तो यही एक क्वेश्चन है। लेट्स सी। डाल लिया है मैंने बैटल ब्लिंप, उसके पहले डाले आर्चर क्वीन और बारबेरियन किंग, और फिर बीच में डाल दूंगा बेबी ड्रैगन। देखिए स्वीपर का पोजीशन उस तरफ था, तो मैंने इस तरफ से डाल दिया बैटल ब्लिंप, CC में से निकला इलेक्ट्रो और बलून। जैसे ही ब्लिंप खुला मैंने डाल दिया इनविजिबल और क्लोन। तो देखिए TH डिस्ट्रॉय हो चुका है, इन्फर्नो डाउन,
क्या ये ईडी को डाउन कर पाएंगे? यो हो, इलेक्ट्रो भी डाउन, इलेक्ट्रो डाउन, दोनों इन्फर्नोस डाउन, आर्चर क्वीन डाउन, टीएस भी डिस्ट्रॉयड। व्हाट एन ऑसम वैल्यू विद आर सुपर विजार्ड्स। और देखिए हमारे आर्चर क्वीन और बार्बिन किंग ने भी बेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। बाकी का फिर हम अपोजिट साइड से डाल देंगे सारे हॉग राइडर्स और उनके पीछे डाल देंगे विजार्ड्स। तो देखिए इसकी ईगल आर्टिलरी हो चुकी है एक्टिवेट। तो हमें हॉग राइडर्स को हील डाल के प्रोटेक्ट करना है और हॉग राइडर्स अब यहाँ पे ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय कर देंगे। यो व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। थोड़े डिफेंसेस बचे हुए हमारे यहाँ पे और हॉग राइडर्स बहुत सारे बचे हुए, सो इजीली हम ये अटैक 3 स्टार कर जाएंगे। देखिए कितने सारे हॉग राइडर्स बचे हुए। व्हाट एन ऑसम अटैक। सुपर विजार्ड्स ने हमें ऑसम वैल्यू दे दी थी जिससे हम अटैक इजीली 3 स्टार कर पाए। व्हाट अ वंडरफुल अटैक गाइस। इजीली हमें अटैक 3 स्टार कर पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते और एक अटैक की तरफ। पहले एयर स्वीपर की पोजीशन देख लीजिए, उसके ऑपोजिट साइड से हम डालेंगे बैटल ब्लीम। पहले डाल दिया मैंने बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन, दोनों के बीच में से डाल दिया बैटल ब्लीम। देखे जैसे ही ब्लीम खुला, रेज डाल दिया पहले मैंने, फिर इनविजिबल एंड क्लोन, एक इन्फर्नो डाउन, टाउन हॉल डाउन, बार्बेरियन किंग भी डाउन, इलेक्ट्रो डाउन नहीं हो पाया। ओहो सुपर विजार्ड्स रॉक ऑन, इलेक्ट्रो भी डाउन, इन्फर्नो भी डाउन, टाउन हॉल भी डाउन। व्हाट एन ऑसम वैल्यू। देखिए 38% ऑफ द बेस डिस्ट्रॉयड विथ 1 स्टार। तो हमारे बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन ने भी काम कर दिया उनका। सब हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे बेबी ड्रैगन और अपोजिट साइड से चालू कर देंगे सारे हॉग्स और उनके पीछे विजार्ड्स। हॉग्स के 8 पॉइंट डाउन हो रहे थे तो हील डाल दीजिए, एक लास्ट हील बचा है हमारा। तो हमने डाल दिया लास्ट हील भी हमारा, यहाँ के सारे डिफेंसेस वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। फिर वहाँ पे बचा है सिर्फ एक डबल कैनन और एक आर्चर टावर। और देख सकते हैं आप बहुत सारे हॉग राइडर्स हमारे बचे हुए और डिफेंसेस बचे सिर्फ 2। यहाँ पे एक हिडन टेस्ला भी है, सो इजीली हम अटैक 3 स्टार कर जाएंगे गाइस। सारे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय, तो हॉग राइडर्स बाकी के बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और पीछे से हमारे विजार्ड भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिल्डिंग्स को। तो इजीली हम ये अटैक 3 स्टार कर जाएंगे गाइस। सुपर विजार्ड्स ऑसम वैल्यू दे जाते हैं हमें जिससे कि हम इजीली अटैक 3 स्टार कर सकते हैं। व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। ये एक टाउन हॉल 12 बेस रश है, लेकिन इनका इसके पास है 3 इन्फर्नोस, ईगल आर्टिलरी। चलिए देखते हैं हम ये अटैक 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए उसके टाउन हॉल के पास ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं ईगल आर्टिलरी के पास ही अपना बैटल ब्लिंक खोल दूंगा जिससे हमें ऑसम वैल्यू मिले। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे ऑसम वैल्यू मिल रही है वहीं पे अपने सुपर विजार्ड्स को छोड़िए, टाउन हॉल के पास नहीं है तो वहाँ मत छोड़िए। देखिए क्या वैल्यू दी हमें सुपर विजार्ड्स ने। ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉयड और मोस्ट ऑफ द बेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है 30%। तो मैंने डाल दी अपनी आर्चर क्वीन जो ड्रैगन को डाउन कर देगी यहाँ पे। यहाँ अंदर देखिए एक सुपर विजार्ड बचा हुआ है अभी जो अब डाउन हो चुका है। तो हमारा ड्रैगन हो चुका है डाउन, आर्चर क्वीन, बेबी ड्रैगन और बार्बेरियन किंग बचे हुए, सब डाल देंगे सारे हॉग राइडर्स और उनके पीछे विजार्ड्स।
यहाँ पर टाउन हॉल भी अटैक करेगा हिडन टेस्ला की तरह, तो उससे भी बचना है। सो हमारे हॉग राइडर्स टाउन हॉल को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि टाउन हॉल भी एक डिफेंस है टाउन हॉल 12 के लिए। लास्ट हील बचा था वो भी हमने यूज़ कर लिया है, सो अब बचे सिर्फ थोड़े बहुत डिफेंसेस। एक इन्फर्नो टावर बचा है, एक आर्चर टावर बचा है और एक एयर डिफेंस। क्या हम यह अटैक 3-स्टार कर पाएंगे? लेट्स सी। यो हो, सारे डिफेंसेस हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। सो अब हमारे हॉग राइडर्स भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेंगे, सो इजीली हमारा अटैक ये हो जाएगा 3-स्टार। और वहाँ पे देखिए बारबेरियन किंग ऐसे ही घूम रहा है ओपोनेंट का, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और हमारा अटैक हो जाएगा 1-3-स्टार। सो व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस, इजीली हमने अटैक कर दिया है 3-स्टार। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ऑसम है, सुपर विजार्ड से हमें ऑसम वैल्यू लेना है और आप इजीली कोई भी अटैक 3-स्टार कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी से। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।